जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम मीन राशि वालों का राशिफल बता रहे हैं कि मीन राशि वालों आपका कैसा रहेगा। तो मीन राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन धन संपत्ति, परिवार, प्रेम, व्यवसाय और वाहिक जीवन में ठीक ठाक ही चलेगा। थोड़ा सा वाहिक जीवन में आपकी अनबन हो सकती है, तो कैसा रहेगा अब मैं आपको बताती हूँ। स्वास्थ्य के मामले में कहूँगी, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। आपको कॉफ़ी पीना छोड़ देना चाहिए। अगर आप खासतौर पर दिल के मरीज़ हो तो कॉफ़ी वॉफ़ी मत पीजिएगा। दिल के मरीज़ हैं तो थोड़ा सा खाने पीने का परहेज कीजिएगा। थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकती है, थोड़ा सा आपका दिमाग उलझ सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। बड़ों का आशीर्वाद लेकर यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, धन कहीं लगाना चाहते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। घरेलू ज़िंदगी भी आपकी सुखमय और खुशनुमा रहेगी। पति पत्नी जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तनाव तो देखो सभी रिलेशनशिप में हो ही जाता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपको वैसे तो आपका टाइम अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि आपकी पति या आपकी पत्नी का थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो जाए। यदि आप किसी प्रेम करते हैं, आप उसके साथ मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, वो आपको मेन टाइम पे मना कर दे कि मैं मिलने नहीं आ रहा हूं, तो भी थोड़ा सा आप चिढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आपको गुस्सा आ सकता है, उससे आपका थोड़ा सा मूड खराब हो सकता है। बाकी का दिन तो आपका अच्छा है। व्यवसाय के मामले में कहूँगी कि यदि आप कहीं पे मतलब पैसा लगाना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप कहीं पैसे लगाना चाहते हैं, तो आप लाभ होगा, आप इसको लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपके बाकी तो मुझे सबका सब अच्छा ही लगा। आपके लिए शुभ अंक एक रहेगा और आपका जो नारंगी या सुनहरा रंग आपके लिए लाइक अच्छा रहेगा। पीले या सुनहरे रंग के जो कपड़े हैं वो आप पहन सकते हैं, आपकी मीन राशि के लिए अच्छा रहेगा। ये जो नारंगी होता है, सुनहरे रंग के कपड़े, आजकल तो सर्दी हो गई है, तो आपके इसके अच्छे अच्छे स्वेटर्स वगैरह आते हैं, जैकेट्स आते हैं, आप उसको ले सकते हैं, उसको आपको फ़ायदा होगा। और मीन राशि वालों, आपको ये है कि थोड़ा सा आपको शुक्र के भी उपाय कर लेने चाहिए, इससे आपके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, मजबूत रहते हैं। स्वास्थ्य के लिए मैं आपको बताऊंगी कि जो है अपने सर से एक नारा लेके पांच बार उल्टा उतारिए और उसको किसी भी हनुमान मंदिर में जाके फोड़ दीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों, आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल मिला के बोलूँगी तो आपका टाइम अच्छा ही है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जब भी किसी को भी कोई भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम लगती है, अचानक से लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो एक नारे लो, अपने सर से पांच बार उल्टा उतारो और हनुमान मंदिर में फोड़ाओ या किसी से फोड़वा दो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस उपाय को आप करिए, इससे आपको लाभ होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई समस्या हो तो आप 8126476399 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा।